इतनी देर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में हुई जोरदार बारिश के बीच स्कूली बच्चों की छुट्टी में हुई देर पर सरकार जिला प्रशासन की देरी पर खफा हो गई है। भारी बारिश के अलर्ट के बीच कांगड़ा का प्रशासन कटघरे में आ गया है। कहां चूक गया सरकारी सिस्टम और क्यों खफा नजर आ रहे हैं लोग, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं आनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। बच्चों की जान की फिक्र कब? हम बात कर रहे हैं स्कूली बच्चों की। राजेश राजेश आज जो हुआ आप ये देखिए कि उस पर अगर हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि 50-60 घंटे पहले लगातार बारिश हुई जी कांगड़ा में और बहुत से क्षेत्रों में जी। बीच में दिन में थोड़ा धूप तो नहीं निकली, दौर एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब थम गई है, फिर से शुरुआत हो चुकी है। राजेश अब आगे राहत के आसार हैं क्या? बिल्कुल भी राहत के आसार नहीं है अग्निहोत्री। जिस तरह की फोरकास्ट आई है, 7 जिलों के लिए फिर से बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट जारी हो गया है और उसमें 24 घंटे लोगों को अलर्ट रहने की एक तरह से सलाह दी है मौसम विभाग ने, सतर्क रहने को कहा है। और कांगड़ा है, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, ये 7 जिले हैं। यहाँ पे अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का एक तरह से अलर्ट तो नहीं आया है, लेकिन जो पिछला अलर्ट येलो अलर्ट 24 तारीख तक चला है वो अलर्ट अभी भी बरकरार एक तरह से है, तो अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है अग्निहोत्री जी। अभी मुसीबत टली नहीं है, अभी मुसीबत नहीं टली है, बहुत ध्यान रखिए अपना। राजेश अभी जैसे हम चर्चा कर चुके हैं जी, सबसे ज्यादा फिक्र रहता है बच्चों को लेके, स्कूल के बच्चों को लेके। बिल्कुल, तो इस संबंध में जैसे आज हुआ कि कई जगह नहीं फैसले ले पाए, क्या जिला प्रशासन अब सचेत रहेंगे? क्या उन्हें पता लगेगा रात को कि बाहर बारिश हो रही है तो पता कर ले जरा, या फिर अभी भी आगे से आगे जिम्मेदारी डालते जाएंगे? नहीं, क्या कहें? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन को सतर्क तो रहना होगा अग्निहोत्री जी, क्योंकि भारी बारिश जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हो रही है, वहां से प्रशासन को भी एक तरह से जवाब देते नहीं बनेगा। अगर अल्टीमेटली जिम्मेदार तो सरकार है, बिल्कुल प्रशासन सरकार ने नियुक्त किया। बिल्कुल, जिस तरह अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर प्रशासन के लिए जवाबदेही एक तरह से मुश्किल हो जाएगी। अभी तक अगर हम देखते हैं तो एक गैप सा नजर आ रहा है जिला एडमिनिस्ट्रेशन में और सरकार में, और साथ ही साथ सरकार की बाकी जो बॉडीज हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी जिस तरह से मौसम विभाग करता है उसको लेकर जिला प्रशासन को टाई अप मौसम विभाग के साथ लाइटली लिया गया, बिल्कुल ऐसा लगता है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हमने नुकसान से बचना है तो जिला प्रशासन को मौसम विभाग के साथ संपर्क में रहना होगा, जिसका मतलब है कि जिस जिला के लिए भी एडवाइजरी कोई जारी आती है, येलो अलर्ट या किसी तरह का अलर्ट जारी होता है, तो वहां प्रशासन, जिला प्रशासन बात करके मौसम विभाग से पूछ सकता है। परिस्थितियां खड़ा रहना होगा, बिल्कुल वहां पे बिल्कुल परिस्थितियां अगर सामान्य रहने की बात होगी तब तो आप जिला भर को खोल के रख सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के हालात अगर पैदा होते हैं तो फिर सबसे बेहतर तरीका वही अग्निहोत्री जी कि मौसम विभाग से संपर्क करके वहां से पूछ लें कि क्या हालत खराब होने जा रही है, किस तरह की आशंका आने वाले दिनों में कैसे दूर होगी, तो वहां से फिर आगे बेहतर होगा डिसीजन ले लें ताकि इस तरह का नुकसान ना हो या इस तरह के लोगों को या बच्चों को तकलीफ ना हो। राजेश एक बार फिर वही सवाल खड़ा होता है जी, 20 अगस्त है आज, सही है, सवाल खड़ा होता है कि स्कूलों की छुट्टियां डिसाइड कैसे हो जाती है? राजेश बिल्कुल, मॉनसून वैकेशन के नाम पे जून में ही छुट्टियां कैसे कर दी जाती हैं और जुलाई में ही खत्म कर दी जाती है? बिल्कुल, बार बार पूरा प्रदेश चिल्लाता रहा, अभिभावक चिल्लाते रहे, बुद्धिजीवी चिल्लाते रहे, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी क्योंकि अपने लोगों को किसी खास वजह से खुश करना था, ऐसे आरोप है। बिल्कुल बिल्कुल आरोप है, बिल्कुल। अब ये चीजें कोई नोट कर रहा होगा कि अगली बार तो कम से कम कैलेंडर सुधार ले, क्या कहेगा? देखिए या फिर लोगों को, फिर बहुत ही राजेश आज ना कुछ फोन आए, बिल्कुल उसमें लोगों का ये कहना था कि अगर ऐसे रहा तो अब हमें कोई संघ बना के कोर्ट में जाना पड़ेगा इस चीज को लेकर, सही है, फिर जवाब वहां होता रहे। बिल्कुल जी हां, बिल्कुल। देखिए अब उन कर्मचारी नेताओं को कटघरे में खड़ा करके सवाल भी राजेश बिल्कुल विभाग की सवाल पूछे जाने चाहिए कि छुट्टियों का प्रदेश में शेड्यूल क्यों बदला? आप ये देखिए कि लाखों बच्चों की जान से प्रदेश में खिलवाड़ करके उन कर्मचारी नेताओं का क्या हित हुआ या उन अफसरों का क्या भला अग्निहोत्री जी हो गया? कुछ सवाल है जो लोग ये कह रहे हैं कि पहले जिस तरह की व्यवस्था प्रदेश में थी, 31 अगस्त तक भारी बारिश के कारण छुट्टियां शिक्षा विभाग देता था, तब भी तो रिजल्ट प्रदेश में आते थे, तब भी तो शिक्षा व्यवस्था प्रदेश की चली थी, और ये अगर हम देखें तो उस वक्त भी एक तरह से पढ़ाई होती थी, कक्षाएं उस वक्त भी लगती थी, सिलेबस उस वक्त भी पूरा कवर करवाया जाता था। कई लोग आज अफसर हैं, बिल्कुल वैसे ही माहौल में पढ़े हैं,
तो उन छुट्टियों में पढ़े हैं वो। बिल्कुल, अब दिक्कत ये है कि किन आकाओं को खुश करने के लिए इस शेड्यूल को बदला गया है और बच्चों की जान की कीमत बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी भरी बरसात में अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन अभिभावकों के बारे में जरा सोचिए जिनका बच्चा भरी बरसात में स्कूल जा रहा है। प्रशासन बहुत बड़ा चुनौती का दौर है और बहुत बड़ा संकट का दौर है। सरकार को या तमाम जितने भी बड़े अफसर बैठे हुए हैं उन सभी को इस पे तगड़ा एक्शन एक तरह से लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, देखते हैं क्या होता है राजेश। अच्छा एक राजेश में रखते हैं प्रश्न आपसे, प्रशासन की मशीनरी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, आज वो सिद्ध हो गया जी, क्या सावधानी रखनी होगी जनता को अपने बूते ही अब? बिल्कुल सही है, देखिए पुलिस प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लोगों से अपील की है कि आने वाले दिनों को लेकर जिस तरह की फोरकास्ट आई है खतरनाक है, डराने वाली है, चौंकाने वाली है। नदी नालों के किनारे हरगिज ना जाने की एक तरह से सलाह दी गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जहां जरूरी ना हो एहतियातन सुरक्षा के जितने भी उपाय हैं वो कर लिए जाएं, उन रोड्स का यात्रा करने से पहले पता कर लिया जाए कि कौन से डेंजर जोन में आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। बिना वजह यात्रा करने से सभी को बचकर रहने की सलाह एक तरह से मौसम विभाग ने भी दी है, सरकार ने भी दी है और साथ ही साथ पुलिस ने भी दी है अग्निहोत्री जी, जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही इस संकट के दौर में सबसे ज्यादा है। यही राजेश परेशानी यही है, चर्चा करेंगे हम जी।